और कुछ दिन पहले ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मैट्रिक रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें डेहरी प्रखंड के सिंधौली ग्राम निवासी प्रमोद सिंह के पुत्र अमित कुमार ने 93% अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डेहरी प्रखंड के टॉपर बनने पर प्रखंड प्रमुख पूनम यादव, मुखिया देवानंद सिंह अमित के घर पहुंचकर अंग वस्त्र एवं किताब देकर सम्मानित कर ढेर सारा आशीर्वाद दिया। प्रखंड प्रमुख पूनम यादव ने कहा कि डेहरी के छात्र अमित ने पूरे प्रखंड का नाम रोशन किया है, जो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। वही मुखिया देवानंद सिंह ने कहा कि हमारे गांव का लड़का अमित में काफ़ी प्रतिभा है तथा पढ़ने में भी काफ़ी तेज है। अमित ने जिला प्रखंड के साथ साथ हमारे गांव का भी नाम रोशन किया है। विदित हो कि छात्र अमित रोहतास जिले का कोढ़ीगोला थाना क्षेत्र का है, चंदा बिघा स्थित दरोगा प्रसाद राय उच्च विद्यालय का छात्र है। इनके पिता भी वार्ड सदस्य हैं। प्रखंड टॉपर बनने के बाद इनके घर जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवियों के बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। साथ ही अमित ने कहा कि मैं आगे की पढ़ाई करके इंजीनियर बनना चाहता हूं और अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूं। क्या नाम है? अमित कुमार। आप मैट्रिक एग्जाम में पूरे डेहरी प्रखंड में प्रथम स्थान लाए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान हम अपने स्कूल के और ट्यूशन के सर के साथ साथ अपने मम्मी पापा और मेरे स्वर्गीय दादा कपिल देव सिंह को देना चाहते हैं, जिन्होंने मेरे गाइडनेस के द्वारा यहाँ तक पहुँचाए। साथ अपने सेल्फ स्टडी के दल पर इस मुकाम को हमने हासिल किया। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? हम आगे चलकर इंजीनियर बनकर अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम पूनम देवी, मैं डेहरी प्रखंड प्रमुख। डेहरी प्रखंड में प्रथम स्थान मैट्रिक में लाने वाले अमित कुमार को आपने सम्मानित किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनको कहना चाहूँगी, पहले तो इनको बधाई देती हूँ कि मेरे डेहरी प्रखंड का नाम रोशन किया है और शिक्षा में बहुत आगे निकलेंगे, और मैं इनके शिक्षा के लिए आगे जितना भी कोशिश होगी अथक प्रयास करूँगी कि इनको आगे पढ़ने के लिए मैं जितनी भी कोशिश होगी, जितने जो अवसर से मुझे काम हो मैं इनको आगे बढ़ाऊँगी। और यहाँ डेहरी प्रखंड के रोहतास जिले के सभी बच्चे लोग को कहना चाहूँगी कि ऐसे ही हमारे ज़िले और प्रखंड का नाम रोशन करें। सभी बच्चों से मैं यही आशा और उम्मीद रखती हूँ और मैं इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करती हूँ। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो असफल भी हुए हैं, ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहिए? जो बच्चे सफल हुए हैं मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि वो उदास ना हो, हारे नहीं, चींटी चढ़ती है, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती है, वो फिर दोबारा प्रयत्न करे, प्रयास करे, सफलता उन्हें जरूर मिलेगी।